यहाँ मैं रख रही थी अपने हरा धनिया पुदीना ये सारी चीज़ें सेव कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ आपके साथ। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप घर पे कुकिंग करते हैं, तो मैं मेक श्योर करती हूँ ये हर वक्त मौजूद हो, और इसीलिए सबसे अच्छा सेव तरीका मुझे ये लगता है। सो दिस इज़ माई कंटेनर जो कि माइक्रोवेव सेफ कंटेनर कहलाता है विथ लिड, राइट। ओ है, मेरा ये कंटेनर का लिड भी टूटा हुआ है। खैर क्या कर सकते हैं। तो मैं लूँगी एक सिंगल दिस एंड आई एम गोइंग टू पुट माई हरा धनिया इनसाइड। ये देखिए जी, मैं इसके रूट्स या जो भी जितना भी एक्स्ट्रा है ना, उससे पहले मैं ये वाला काम कर ही दूँ। तो मैंने टिश्यू पेपर नहीं, जो किचन टॉवल्स होते हैं, मैं उसको मैं बिछा लूँगी लाइक दिस। एक और बड़ी मज़े की टिप थी, मैंने फेसबुक वगैरह पे देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुई हुई थी, वो था स्पून रख देते हैं। पर स्पून वाला मैंने अब तक ट्राई नहीं किया था और मेरी हिम्मत भी नहीं है ट्राई करने की, क्योंकि जितने एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, ये मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं, इनके लिए टाइम निकालना इंशा के साथ। सो बहरहाल टिश्यू मैंने जस्ट स्प्रेड किया इसमें, किचन टॉवल नॉट टिश्यू अगेन। और ड्राई धनिया धोना नहीं है, बिल्कुल ड्राई धनिया है। एंड मैं इसको जो है वो 1 मिनट, यस, ड्राई धनिया को इसके अंदर डाल दूंगी। टिश्यू से ये होता है कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर होगा ना, तो वो टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर धनिया आराम से 3 दिन चलता है। इतनी थोड़ा सा धनिया तो ये जस्ट मेरे कोई 2-3 यूज़ का है, नॉट मोर देन दिस। तो पर फिर भी कम से कम सही और बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो ये देखें, दिस इज एयर टाइट नाउ, इट्स डन, यस इट्स डन। ठीक है, ये मेरे हो गए धनिया सारे। और अगर इस तरह आप धनिया वगैरह ये सब चीज़ें रख देना, तो ये फ्रिज में खोती भी नहीं है, ये भी एक मज़े का पॉइंट है। वरना क्या होता है अक्सर कि चीज़ें जो हैं वो खो जाती हैं, क्योंकि समटाइम्स हम लेमन अंडे वाले रैक में रख रहे होते हैं, सब इधर रख रहे होते हैं। तो चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए मैं इसी में रखती हूँ। तो यहाँ मैं अपने डालूँगी हरी मिर्चें, हरी मिर्चों को भी मॉइस्चर चाहिए, नहीं चाहिए होता, वरना वो ख़राब हो जाती हैं। या तो वॉश करके, वावई टाइम है तो आप उसको ड्राई कर लें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं डायरेक्टली इसमें चेक भी कर लेती हूँ, कुछ ख़राब होती है तो वो भी इसी टाइम हटा देती हूँ, वरना वो बाकी हरी मिर्च ख़राब कर देती हैं। तो दीज आर द ग्रीन चिलीज, एंड यू नो वॉट, अगर आप यूएई में नहीं है तो आपको सुन के बड़ी हैरत होगी, ये जितनी ग्रीन चिलीज हैं ये सिर्फ 1 दिरहम में है, और इवन ये जो हरा धनिया था वो भी 1 दिरहम का था। तो यस, द बेसिक्स हियर, और खाना पीना भी यहाँ इतना महंगा नहीं है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सो दीज आर पैक्ड टू, डन। नाउ द थर्ड थिंग इज, इसमें मैं नहीं डालती कुछ भी, ये बस ऐसी ही जाएंगी, अदरक ऐसे ही जाएगा, और एक लेमन तो आ सकता है, तो ये ज़रा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, इसको मैं यूज़ कर लूँगी। इनको मैं इकट्ठा रख देती हूँ। इट्स टाइम टू सेव पुदीना, वेयर इज माय पुदीना। पुदीना भी मेरे पास जो है वो ड्राई है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं इनके लीव्स निकाल लूंगी, और जो खराब होगा उसको भी साइड पे कर दूंगी।
शादी से पहले मुझे इतना ज़्यादा बुरा काम लगता था ये, अब तो मजबूरी होती है करना, क्योंकि अम्मी देती ही ये साइड के काम थी, लाइक इस तरह इसको निकालना, अब धनिया कट करना, सैलेड काटना, ये सारे काम मुझे बहुत बुरे लगते थे। और अभी भी अगर कोई मेरी हेल्प, मतलब समवन वांट्स टू हेल्प मी, कि मैं कुछ हेल्प कर दूँ, कुछ दावत है या कुछ है, तो सिंपली आई आस्क देम कि मेक सम सैलेड, रायता, या मुझे पुदीना काट दें, ये कर दें वो। इवन अभी भी मेरी मेड से मैं खाना नहीं बनाती, खाना मैं हमेशा खुद बनाती हूँ, थोड़ा सा यू नो टेस्ट कॉन्शियस वी आर, बट मैं अपनी मेड से कटिंग सारी करवा लेती हूँ। कटिंग वाला काम आई जस्ट हेट इट लिटरली। तो अब ये होता है कि अच्छा, मैंने डंडा इसलिए निकाला है क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ डंडे के साथ, तो वो मॉइस्चर छोड़ देता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं डंडा कहेंगे इसको, क्या कहते हैं जो भी है भाई, ये डंडा है, उसके साथ इसको हटा के आपने जो है वो पुदीना को रख लेना है। अच्छा, ये काम मैं अहमद से करवा लेती थी बिफोर दिस कोरोना वायरस, क्योंकि अब मुझे, मैं धोती नहीं हूँ उसको, तो इसलिए मैं इसको टच भी करने नहीं देती। बाय द वे, ही लव टू डू दैट, उसको अगर दिख जाए ना तो वो अभी भी करे। तो यस, दिस इज माय धनिया, पुदीना एंड ग्रीन चिलीज एंड जिंजर लेमन डन। और इसको अब आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, और 2-3 डेज़ के लिए धनिया तो बिल्कुल ठीक रहेगा, इवन 4-5 डेज़ के लिए भी ठीक रहता है। मेन की है कि ड्राई आपने रखना है, एंड टिश्यू पेपर, नॉट टिश्यू पेपर, टिश सॉरी किचन टॉवल आपने रख देना है अंदर, तो वो सारा मॉइस्चर ले लेगा और आपकी चीज़ें बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। तो चलें, अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में।